अर्थ प्रकाश देख रहे हो तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपका स्वागत है चुनावी दंगल के अंदर, अर्थ प्रकाश के इस प्रोग्राम के अंदर। जैसे हमने आपको कहा था, सबसे पहले आप सब दर्शक बधाई के पात्र हो कि आपने इस प्रोग्राम को दिल से चाहा, और हम एक अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो यूएसए यूके में हैं और इटली में हैं कि वो फ़ोन करते वक्त हमें सुझाव देते हुए हिंदुस्तान समय का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अर्थ प्रकाश के इस प्रोग्राम में आप सबका, सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे हमने कहा था कि हम आज आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में बताएंगे, आज हम बात करेंगे कांग्रेस, जजपा और एनएलडी की प्रेजेंट पोजीशन के बारे में। सबसे पहले हम कांग्रेस की तरफ चलते हैं। 150 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी, कुछ दिन पहले कांग्रेस के अंदर सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और शैलजा जी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्ष बनने के बाद जैसे हमने आपको कहा था कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक जुनून सवार हो गया है और राजनीति के अंदर एक नया, एक हम कह सकते हैं करवट लिया हरियाणा की राजनीति ने 2-3 दिन के अंदर। कल को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन था और ये जन्मदिन फरीदाबाद के अंदर एक प्रोग्राम किया कांग्रेस पार्टी ने। उस पार्टी के अंदर कांग्रेस ने अपने काफ़ी लीडरों को एकजुट होने के लिए एकजुट होते हुए सभी कार्य लीडर दिखाई दिए जिसके अंदर, और उसके तुरंत बाद ही हम देखेंगे 2-3 दिन के अचीवमेंट कांग्रेस की क्या रही। जैसे हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पास एक मैनेजमेंट है, इलेक्शन की मैनेजमेंट है हम कह सकते हैं। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक जैसे कहते हैं राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद, ये पांचों चीज़ों में यहाँ के इस पार्टी के लीडर निपुण है। और इलेक्शन का एक टेम्पो होता है, एक मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इस वो एक्सपीरियंस को कांग्रेस पार्टी किस तरह कैश करेगी, ये बहुत बड़ी बात है, ये फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि परसों की कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक अरोड़ा जी जो INLD के अध्यक्ष थे, वो प्रदीप चौधरी जी, सरदार जसविंदर सिंह संधू जी के बेटे गगनजोत जी, हांसी से MLA पूर्व मिनिस्टर हरियाणा सरकार सुभाष गोयल जी, इस तरह के, और जयप्रकाश जी, बहुत लीडर्स कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब हम बात करते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जी से जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या इन लीडर्स को आप टिकट दोगे, उस बयान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, हमने इस तरह से इनके साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं की है, और अगर हम ये बात करेंगे तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। इस तरह से वो इनकी टिकट के बारे में इस बात से कन्नी काट गए। और सेकंड बात, जब गुलाम नबी आज़ाद जी से बातचीत चली और गुलाम नबी आज़ाद जी ने बहुत एक सेंसिटिव एक कहते बयान दिया, ये बयान देखने वाला है कि उन्होंने कहा था कि छोटे दलों किया कोई वजूद नहीं है इलेक्शन के अंदर, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। लेकिन उनको ये बात शायद गुलाम नबी आज़ाद जी ये बात भूल गए हैं कि जिस प्रदेश के वो रिप्रेजेंट करते हैं J&K में, नेका और PDP दो छोटे सियासी गठबंधन है, और ही दो सियासी गठबंधनों के साथ गठबंधन करके ही बड़े दल वहाँ पर से सरकार बनाते रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान देखने बात है। और जब धारा 370 की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद जी ने धारा 370 पर अपना अलग स्टैंड लिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज भले चाहे दोनों एक साथ साथ हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि धारा 370 के फेवर में उन्होंने बयान देकर ये कहा था कि मेरे लिए देश पहले है। अब ये दो बातें बहुत ही दर्शक अपने आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये दो बातें कहाँ पर जा रही हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। जैसे 5 लीडर्स कांग्रेस में आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन लीडर्स ने, चाहे आप बात करें अशोक अरोड़ा जी की, चाहे प्रदीप चौधरी जी की, चाहे सुभाष गोयल जी की, चाहे जयप्रकाश जी की, कि इन्होंने अपनी राजनीति जो की है, शुरुआत की है, उन्होंने कांग्रेस के विरोध में की है, हमेशा कांग्रेस का विरोध करते हुए इलेक्शनों में ये स्पीकर तक, मिनिस्टर तक, पूर्व मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। अब बात सबसे बड़ी बात ये देखनी है हमने, दर्शकों के मन में भी ये जिज्ञासा है कि ये कांग्रेस कल्चर को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हें कितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी एक प्रश्न है। और जो धारा 370 के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में की याचिका दायर हुई है, जो गुलाम नबी आज़ाद जी से बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि ये मैंने विरोध किया था 370 का, तब किया था जब ये कानून नहीं था लोकसभा के अंदर, अब कानून पास हो गया है, लेकिन जो मैंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर
वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की है, मैंने वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दायर की है याचिका, और मुझे 3 बार मैं G&K गया, मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया। लेकिन ये भी एक बात हम कह सकते हैं कि आज ये वो फैसला आ गया जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसके तहत गुलाम नबी आज़ाद जी G&K में जा सकते हैं। ये धारा 370 की बात थी। अब हम कांग्रेस के जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो मैनेजमेंट होती है कांग्रेस पार्टी में, दो राय एक तरफ राय नहीं, कांग्रेस पार्टी मैनेजमेंट में सभी पार्टियों से आगे हैं। अब देखना कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को किस तरह से कैश करेंगे। अब हम बात करते हैं लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस के बारे में। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और स्टेट के इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी के बारे में बात है, अगर कांग्रेस पार्टी सेंटर के मुद्दे लेगी इन इलेक्शन में तो उसमें वो पार्टी BJP को नहीं घेर पाएगी। अगर वो स्टेट के मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों को उठाएगी, तो हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक BJP को चुनौती देने में कामयाब हो सके। लेकिन फिर भी ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इनसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न होगा कि टिकट बांटने में कांग्रेस की क्या प्रक्रिया रहेगी। ये बहुत बड़ा एक तरह का एक हम कह सकते हैं कि परीक्षाएं होंगी जो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि हरियाणा के राजनीति में बहुत ही उथल पुथल होने की भी संभावना है। ये कांग्रेस के मैनेजमेंट के बारे में बात हमने आपसे की। अब हम बात करेंगे INLD और जजपा। INLD और जजपा सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों के दर्श चौधरी देवीलाल जी हैं, और देवीलाल जी के बारे में ये बात कही गई कि देवीलाल जी के चलते फिरते राजनीति की प्राथमिक पाठशाला थे। उस पाठशाला से बहुत लीडर्स उनके शिष्य बने और उन्होंने बहुत लीडर्स ने अपनी राजनीतिक तालीम हासिल की और बड़े ओहदों पर पहुँचे। ताऊ देवीलाल जी के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि सरकारें जो सी मर्जी बने हरियाणा में, लेकिन उन चाहे कांग्रेस की बने, INLD तो उनकी अपनी ही पार्टी थी, है पार्टी उनकी, और चाहे दूसरी BJP की बने, उन सरकारों में ताऊ देवीलाल जी का कोई ना कोई शिष्य आपको मंत्री या MLA बनता हुआ जरूर दिखाई देता ही है, उनका योगदान रहता ही है। ये ताऊ देवीलाल जी की एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि उनका एक योगदान रहा हरियाणा की राजनीति के अंदर। अब बात करेंगे दुष्यंत की। कुछ दिनों से जजपा के अंदर एक ही बात चल रही थी कि खापों ने, महापंचायतों ने कोशिश की कि ये परिवार एक हो जाए, लेकिन कल दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कह दिया कि हम पारिवारिक तौर पर एक हो सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर हम अलग ही रहेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। यानी एक हम इस बात कह सकते हैं कि INLD और जजपा इस इलेक्शन में अलग अलग अपने रथ पर सवार होकर जनता के बीच में जाएंगे। अब प्रश्न हम बात थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ताऊ देवीलाल जी ने जब अपनी विरासत दी अपने ज्येष्ठ पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने CM बनकर ये साबित कर दिया कि मैं ही चौधरी देवीलाल जी का राजनीतिक वारिस हूँ, उन्होंने अग्नि परीक्षा में साबित किया। अब यही सबसे बड़ी चुनौती दुष्यंत के लिए भी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए भी है, उनको भी अग्नि परीक्षा में पास होकर ये साबित करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनकर, दुष्यंत को भी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी, कि मुख्यमंत्री बनकर ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई में ही वो ही चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक वारिस हैं। ये साबित करना पड़ेगा, और ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन राजनीति के अंदर हम कह सकते हैं कोई भी नामुमकिन बात नहीं होती। लेकिन ये दो बातें जजपा को भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये थी हमारी आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो चुनावी दंगल हमारे प्रोग्राम के तहत ली गई है, और मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।